हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो अजीब दास्ता स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्ष को एमा के साथ देखती है, घर आती है और काफ़ी तोड़फोड़ मचाने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। उसकी मॉम आती है और डोर नॉक करती हैं ज़ोर ज़ोर से, बट फुटवार डोर नहीं खोलती। तो उसके पापा से पूछते हैं कि आप इसको लेके गए थे ना, क्या हुआ है, जैसे क्यों रिएक्ट कर रही है, बताइए। तो वो कहते हैं कि करने दो, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। कहते हैं आप कैसे बाप है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किसी को इतना परेशान कर कैसे सकते हैं। सिर्फ अक्ष उसकी लाइफ से निकल जाए इसलिए आप अपनी बेटी को इतना परेशान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अक्ष कैसे हैं ना, आज ही दिखा के ला रहा हूँ। तो कहती हैं क्या मतलब, क्या दिखा के ला रहे हो आप, क्या क्या करने क्या गए थे। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई होगा नहीं, ये याद रखिएगा आप। कहते हैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो करने गया था बिल्कुल सही करने गया था, अब समझ में आएगा कि क्या सही था और क्या गलत। कहती हैं आप डिसाइड करोगे क्या सही था क्या गलत। हाँ, कहते हैं हाँ, अगर वो बेटी मेरी है तो मैं ही डिसाइड करूँगा, कोई पड़ोसी आके तो ज्ञान बांटेगा नहीं उसे। और जिसके बारे में तुम इतना गुणगान कर रही हो ना, उसका अफेयर श्रुति के फ्रेंड के साथ चल रहा है, समझ में आया तुम्हें। तो कहती है हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि अक्ष श्रुति को धोखा देंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अक्ष ऐसा कभी नहीं करेंगे। कहती है यही तो बात है ना, ये देखो। तो श्रुति के पापा ने वहाँ बैठे बैठे वीडियो बनाई हुई होती है और वो उसकी मॉम को दिखाते हैं। उसकी मॉम देखती हैं और कहती हैं तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या साबित हो जाता है कि अक्ष का इस लड़की से अफेयर चल रहा है, सच में इससे ये साबित होता है, मुझे तो नहीं लगता। कहते हैं तुम पागल हो गई हो, ज़रूरी है, हो सकता है वो किसी काम से उससे मिलने गई हो, कोई और काम हो, तो प्लीज़ हाँ, ये जो आपने बीज बोया है ना उसके दिमाग में, इसको अब आप ही निकालेंगे। कहते हैं मैं क्यों निकालूँगा। कहते हैं आप उसकी हालत देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कम से कम उसकी हालत पे तो तरस खाइए। एक तो वो खुद ही इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है, ऊपर से आप बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी का दुश्मन हूँ। कहती हैं आपकी हरकतें तो वैसी ही हैं ना, तो क्या करूँ मैं। आप अभी के अभी श्रुति से दरवाज़ा खुलवाइए और उसे सच बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं सच यही है जो हम अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं, मेरे ना कह देने से सच नहीं बदलेगा, ये तुम्हें भी पता है, तो इस बात का राग मत अलापो, जो सच है वही दिखा के ला रहा हूँ, समझी। और ये कह के श्रुति के पापा वहाँ से हट जाते हैं। श्रुति की मॉम डोर बजाती रहती हैं लेकिन श्रुति दरवाज़ा नहीं खोलती, वो अंदर ही बैठ के रोने लगती है और कहती है क्यों अक्ष, मेरे साथ ये सब क्यों किया तुमने, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने मेरे साथ ये सब, क्या मिला तुम्हें ये सब करके मेरे साथ,
की करके क्या जीत लिया तुमने? मैं सोचती थी कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। बट मैं गलत थी, मैं बिल्कुल गलत थी। आपने मुझे धोखा दे दिया अक्ष, दे दिया, और वो भी इस तरह दिया कि इस धोखे से मैं शायद जिंदगी बरोबर ही ना पाऊँ। वहाँ थी तो वहाँ आपके अफेयर्स, यहाँ हूँ तो यहाँ भी आपने अफेयर चला लिया। शर्म नहीं आई आपको? मैं हर पल आपको मांगती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ, और आपने आपने क्या किया? आपको मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया? आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे कितनी तकलीफ होगी? नहीं लगा आपको एक बार भी? नहीं लगा? बहुत तकलीफ़ हो रही है अक्ष, बहुत तकलीफ। आंटी दरवाज़ा पीटती रहती हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। खैर, अक्ष जो है थोड़ी देर में घर पहुँचते हैं सारे पैकेट्स वगैरह लेके, और वो श्रुति को आवाज़ लगाते हैं कि श्रुति कहाँ हो? श्रुति कोई जवाब नहीं देती। तो आंटी आती हैं उसके पास और कहती हैं कि कहाँ थे तुम, कहाँ गए थे? तो कहती है कि क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? कहती हैं जितना पूछा है बस उतना जवाब दो, कहाँ गए थे? कहती है कि एम्मा से मिलने गई थी। आंटी उसके गाल पे खींच के चाटा मारती हैं। अक्ष जो है वो थोड़ी देर तो शॉक्ड रहते हैं और फिर कहते हैं क्या हुआ मम्मी, कुछ बताएंगी आप? कहती है श्रुति ठीक नहीं है ना, तुम्हें हर पल हर वक्त उसके साथ रहना चाहिए, और तुम यहाँ पे अम्मा से मिल रहे हो, क्या लगती है अम्मा तुम्हारी? बोलो, बाद में भी तो मिल सकते थे ना उससे, इस समय श्रुति को तुम्हारी ज़रूरत है ना कि अम्मा को? तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है अक्ष? तो अक्ष कहते हैं कि हुआ क्या है, श्रुति ठीक तो है ना, क्या हुआ है मुझे बताइए तो सही। तो आंटी कहती है कि श्रुति दरवाज़ा नहीं खोल रही है। कि क्यों, क्या हुआ क्या है, कुछ बताएंगी तब तो मुझे पता चलेगा। जब तक आप कुछ बताएंगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा, बताइए। कहते हैं तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? कहते हैं आंटी मुझे कुछ पता होता तो मैं आपसे पूछती क्यों? प्लीज़ देखिए मेरी धड़कने मत बढ़ाइए, साफ साफ बताइए क्या हुआ है, श्रुति ने दरवाज़ा क्यों लॉक किया? तो आंटी से सारी बात बताती हैं। अक्ष घबरा जाते हैं और वो दरवाज़ा पीटने लगते हैं। कहते हैं श्रुति एक मिनट दरवाज़ा खोलो प्लीज़। श्रुति चुपचाप रोती रहती है। काफ़ी टाइम बीत जाता है लेकिन श्रुति अंदर से ना दरवाज़ा खोलती है ना अक्ष की बात सुनती है। तो अक्ष जो है कहते हैं कोई इस कमरे की की है? तो कहते हैं कि हाँ है। कहते हैं प्लीज़ लाइए दीजिए, आपने अभी तक वो की यूज़ क्यों नहीं की? कह रही हैं टेंशन में नहीं समझ में आया। कहते हैं चलाइए मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ।
तो आंटी की लाती हैं और अक्ष को देती हैं। अक्ष फटाफट दरवाज़ा खोलते अंदर जाते हैं। श्रुति जैसे अक्ष को देखती हैं खड़ी होती हैं। अक्ष दरवाज़ा बंद करते हैं और आंटी से कहते हैं कि अब चाहिए मैं संभालती हूँ। श्रुति कहती है आप अभी के अभी यहाँ से जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है, और अगर आप यहाँ रुके तो आई स्वयं मैं कुछ कर लूँगी। अक्ष कहते हैं श्रुति लसन लसन मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो पनिशमेंट देनी होगी मुझे देना, मुझे मंजूर होगी, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। कहती है मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी, यू आर अ चीटर, यू आर जस्ट अ चीटर। तो कहती है नहीं 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 देखो तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो मुझे। कहती क्यों नहीं बोल सकती मैं आपको ऐसे, किसकी परमिशन लेनी है मुझे आपको ऐसा बोलने के लिए, मुझे भी बता दीजिए। कहती है देखो आई एम नॉट चीटर, आप मेरी एक बार बात सुन लो, उसके बाद आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। अगर कहोगे कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मैं यहाँ से जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो आप प्लीज़। तो श्रुति कहती क्या सुनाना है आपको बताइए, आप एमा के साथ क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप, आपको शर्म नहीं आई उसके साथ, बोलो मुझे। मैं आप अक्ष प्लीज़ जाइए आप यहाँ से। अक्ष कहते हैं श्रुति प्लीज़ लिसन टू मी, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ है ही नहीं। कहती है मुझे बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा है, मुझे मत बहलाइए अब आप, ठीक है, बहुत बहका चुके आप मुझे। श्रुति कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। अक्ष बहुत देर तक उसे मनाते रहते हैं, उसे समझाते रहते हैं, लेकिन श्रुति उनकी एक बात नहीं सुनती। अक्ष श्रुति पे एकदम से चिल्ला पड़ते, कहते हैं हाँ तो अगर मैं अम्मा के साथ थी तो क्या, मुझे भी समझाओ क्या। तो श्रुति हैरानी से उनकी तरफ देखती है, कहती आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सच में। कहती क्यों पड़ेगा मुझे फ़र्क, मुझे भी बताओ मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, बोलो समझाओ मुझे। तुम मेरे रहते हुए किसी से शादी कर सकती हो, हैं कर रही हो ना, और मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं कर सकती, क्यों क्यों बोलो। सारे हक सारे अधिकार तुम्हें ही क्यों है, मुझे क्यों नहीं है, बोलो। और अब ये मत कहना कि शादी तुम मजबूरी में कर रही हो, क्योंकि कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि तुम्हें उसके लिए शादी जैसा डिसीजन लेना पड़े। तो मेरे साथ ये खेल मत खेलना, बाकी तुम्हें जो कहना है तुम शौक से कहो, मैं सुनने के लिए तैयार खड़ी हूँ, बोलो। अगर तुम शादी कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी तो अपनी ज़िंदगी आगे बिताने के लिए किसी का साथ चाहिए, या सिर्फ तुम्हें ही चाहिए होता है, बोलो। कहती है मैं अपने बेबी, कहती बेबी के लिए, सच में सिंगल पेरेंट नहीं होते। अच्छा चलो एक सेकंड को मैं मान भी लेती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्यार नहीं करती, क्योंकि वो बच्चा तो सिर्फ तुम्हारा है, मेरा तो कुछ लगता नहीं है वो, है ना, मेरा तो कुछ भी नहीं लगता, मैं तो पागल हूँ, मेरे सीने में दिल है ही नहीं, है ना, वो जो कुछ लगता है वो सिर्फ तुम्हारा लगता है। चलो मान लेते हैं, तुम्हारी बात बड़ी कर देते हैं, सिंगल पेरेंट नहीं होते, हाँ तुमने नहीं देखे कभी सिंगल पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ में अभी तक, बोलो। तुम तो यहाँ रहती हो ना,
लंदन में, यहाँ तो बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स होंगे जो डिवोर्स ले लेते हैं, या किसी के हस्बैंड की या वाइफ की डेथ हो जाती है और उसके बाद ताम्र अपनी ज़िंदगी को बच्चों को खुद ही संभालते रहते हैं। वो नहीं संभालते, तुम्हें ही किसी के साथ की ज़रूरत है बच्चे संभालने के लिए। और चलो अगर है तो करो, मुझे क्यों रोका हुआ है तुमने, फिर मुझे भी बता दो मुझे क्यों रोका है। मैं जब किसी के पास जाते हूँ तब तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों मचती है, बोलो श्रुति। रिश्ता ना दोनों तरफ से निभाया जाता है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, समझी तुम। और ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि यू लव मी राइट। ये तुम्हें मैं तुम मुझे किसी और के साथ देखती हो तो तुम्हें जेलसी होती है, ये हाँ। अगर ऐसा है तो आओ ना, मैं खड़ी हूँ यहाँ, थामो हाथ मेरा, ज़िंदगी भर ये हाथ नहीं छोड़ूंगी, ज़िंदगी भर नहीं। मुझ पर ट्रस्ट तो करो, तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट है ही नहीं ना, जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ चीज़ें कैसे चलेंगी, बताओ कैसे चलेंगी। किसी भी रिश्ते में भरोसे का होना बहुत ज़रूरी होता है श्रुति, बच्चा होने से पहले भी तुम्हें मुझ पर कभी सही से भरोसा नहीं रहा, जो देखा वो मान लेती हो और आज भी वही हाल है। तुमने मुझे माँ के साथ देखा और तुमने मान लिया और तुम मेरा पीछा कर रही थी है ना, मेरा पीछा। अब पता है कल जब तुम जेलसी फील कर रही थी ना, मुझे जनरली बहुत अच्छा लग रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए आज भी परेशान होते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब ये देख के कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है इसलिए जेलस फील कर रही थी, ये देख के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है श्रुति, बहुत बुरा लग रहा है। समझा भी नहीं सकते कि कितना बुरा लग रहा है। एक बार भी मेरे नज़रिए से देखा होता चीज़ों को तो तुम्हें इस तरह खुद को हर्ट करने और ये सामान फेंकने की नौबत ही नहीं आती। श्रुति कहती क्या देखो आपके नज़रिए से आपको, आपने मान तो लिया ना कि आपका अफेयर चल रहा है, और अगर मैं शादी कर रही हूँ तो आपका अफेयर चलने में क्या बुराई है। हाँ सच है, मैं ही पागल हूँ जो यहाँ रो रही थी, बैठ के तड़प रही थी। अक्ष कहते हैं एक मिनट रुकना, अभी आई मैं, रुकना गेट बंद मत करना, बस अभी आई तुरंत। ओके श्रुति वहीं खड़ी रहती है, अक्ष जाते हैं और जो जो सामान खरीदा होता है वो लेके आते हैं श्रुति के लिए और उसको देते हैं। श्रुति उन सामानों को देखती है और कहती है ये सब, कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए, कहती है जी नहीं आपने ये सामान अम्मा को दिया, अब उसको दिया हुआ सामान आप मुझे दे रहे हो,
कहते हैं श्रुति फॉर गॉड सेक यार, इस तरह की बातें मत करो, मैं इतनी चीप नहीं हूँ जितना तुम मुझे बना रही हो, ये बात तुम्हें भी पता है, तो प्लीज़ मत करो, ये दर्द होगा मुझे, मत करो। तो श्रुति चुप होती है, बट वो उन पे बिलीव नहीं कर रही होती। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, श्रुति अक्ष पे बिलीव करेगी कि नहीं, ये जो शक का कीड़ा है ये इन दोनों की ज़िंदगी को किस दिशा में लेके जाएगा और क्या क्या नए गुल खिलाएगा, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।